नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित हुए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया था। उनके कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए थे। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी जांच कराएं जो भी उनके संपर्क में आए हैं। उन्होंने कहा है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई है और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। ट्वीट पर आगे लिखा है कि प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इसी बीच जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच जरूर कराएं और एहतियात बरतें। बता दें कि कल ही कोरोना वायरस का प्रकोप यूपी के सीएम ऑफिस तक पहुंच गया था। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उनके कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियात के तौर पर अपने को आइसोलेट किया है और सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। इसके बाद आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और घर पर ही उपचार हो रहा है। तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 2020 में कोरोना की शुरुआत भारत में हुई थी। लगातार मामले बढ़ते गए। एहतियात के तौर पर लॉकडाउन लगा, नाइट कर्फ्यू लगा। एक बार फिर से 2021 में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई अभिनेता और कई नेता कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आपसे अपील करता है कि एहतियात जरूर बरतें। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।